अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही उम्दा है क्योंकि इसमें हम बरतानवी साम्राज्य की गिलगित में हुकूमत और दीगर उमूर में मुदाखलत का तज़किरा करेंगे कि कैसे बरतानिया ने लोकल लोगों का इस्तेमाल करके गिलगित बाल्टिस्तान पे हुकूमत की और यहाँ के रास्तों को इस्तेमाल करके ग्रेट गेम खेला गया। गिलगित बाल्टिस्तान शुमाली पाकिस्तान का एक मुतनाज़ा खित्ता नौआबादियाती हुक्मरानी की एक पेचीदा तारीख रखता है, खास तौर पर बरतानवी दौर में। खित्ते के तस्वीराती महल वकू और कुदरती वसाइल ने इसे नौआबादियाती ताकतों के लिए एक पुरकशिश जगह बना दिया, जिसकी वजह से गैर मुल्की तसल्लुत की एक तवील तारीख रही। आज हम गिलगित बाल्टिस्तान में बरतानवी दौर का तनकीदी जायजा लेंगे। खित्ते की सियासत, मईशत, सकाफत और मुआशरे पर नौआबादियाती हुक्मरानी के असरात पर तवज्जो मरकूज करोएंगे। अंग्रेजों के दौर से पहले गिलगित बाल्टिस्तान एक आज़ाद खित्ता था जिसकी अपनी सल्तनतें थीं। ये खित्ता मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों से आबाद था, जिनमें गिलगित्ती, बल्ती, डोम, शैन, यशकुन, कमीन, गुज्जर, सैयद खानदान शामिल थे। ये खित्ता शाहरा रेशम समेत कई अहम तिजारती रास्तों का घर भी था। 1846 में अंग्रेजों ने गिलगित बाल्टिस्तान को रूस की तौसी से बचाने और वस्ती एशिया और चीन के तिजारती रास्तों को महफूज बनाने की जरूरत का हवाला देते हुए गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। गिलगित बाल्टिस्तान में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी एक फौजी कब्जा था, जिसमें पूरे खित्ते में कई फौजी चौकियां कायम थीं। अंग्रेजों ने एक इंतजामी निजाम भी कायम किया, जिसमें एक बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट इंतजामिया का सरबरा था। पॉलिटिकल एजेंट टैक्स जमा करने, अमन व अमान बरकरार रखने और खित्ते की माशी तरक्की की निगरानी का जिम्मेदार था। अंग्रेजों ने मकामी सकाफत और रवायात को दबाते हुए अपनी जबान, मजहब और रस्म और रिवाज को भी खित्ते पर मुसल्लत किया। अंग्रेजों ने गिलगित बाल्टिस्तान के कुदरती वसाइल बशमूल उसकी मदनियात, जंगलात और जरी जमीनों का इस्तेहसाल किया। खित्ते की मईशत पसमानदा थी। बरतानिया ने बुनियादी ढांचे या इंसानी तरक्की में बहुत कम सरमायाकारी की। अंग्रेजों ने टैक्स का निजाम भी नाफिज किया, जिसने मकामी आबादी को मजीद गरीब कर दिया। खित्ते के तिजारती रास्तों पर भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, जिन्होंने पड़ोसी इलाकों के साथ तिजारत पर भारी महसूलात और पाबंदियां आयद की। बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी ने गिलगित बाल्टिस्तान की सकाफत और मुआशरे पर तबाह कुन असरात मरतब किए थे। मकामी सकाफत और रवायात को दबा दिया गया और अंग्रेजों ने इस खित्ते पर अपनी जबान, मजहब और रस्म और रिवाज को मुसल्लत कर दिया। इस खित्ते के समाजी ढांचे को भी तब्दील कर दिया गया। अंग्रेजों ने समाजी अदम मसावात का निजाम तश्कील दिया। तालीम, सेहत की देखभाल और दीगर बुनियादी खिदमात तक महदूद रसाई के साथ मकामी आबादी के साथ दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर सलूक किया गया। गिलगित बाल्टिस्तान की मकामी आबादी ने शुरू से ही बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ मुज़ाहमत की। पूरे खित्ते में कई बगावतें हुईं। सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बगावत 1941 की गिलगित बगावत थी, जो कि एक मकामी रहनुमा की बरतानवी गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। इस बगावत को अंग्रेजों ने बेदर्दी से कुचल दिया। बहुत से मकामी लोग मारे गए या कैद कर दिए गए। अंग्रेजों ने गिलगित बाल्टिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में बहुत कम सरमायाकारी की, बजाय इसके कि इस इलाके के कुदरती वसाइल को निकालने पर तवज्जो दी। खित्ते का बुनियादी ढांचा बशमूल सड़कें, पिल और मवासलाती नेटवर्क भी पसमानदा था। अंग्रेजों ने कई फौजी चौकियां कायम की, जिन्होंने मकामी लोगों के लिए रोजगार के कुछ मौके फराहम किए थे, लेकिन ये भी मकामी बगावतों को कुचलने का एक जरिया था। मकामी सकाफत और रवायात के बरतानवी दबाव के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपने सकाफती वर्से को महफूज रखने में कामयाब रहे। इस खित्ते के मुनफरिद सकाफती तरीकों बशमूल उसकी मौसीकी, रक्स और फिन को जबानी रवायत और खुफिया तरीकों से जिंदा रखा गया। आज़ादी के बाद से खित्ते के सकाफती वर्से को दस्तावेजी शक्ल देने और इसे महफूज करने की कोशिशों के साथ खित्ते में सकाफती अहिया हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने 20वीं सदी के अवाइल में बरतानवी राज से सियासी हुकूक और आज़ादी का मुतालबा करना शुरू किया। इस खित्ते की सियासी बेदारी की क़यादत कई मकामी रहनुमाओं ने की, जिनमें मशहूर आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद अयूब खान भी शामिल थे। 1947 में
गिलगित बाल्टिस्तान आज़ाद हुआ, जिसको बाद में 1949 मुआहिदा कराची के तहत पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। ये बात अलग है कि मुआहिदा कराची में गिलगित की नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन इसको आज तक बंदूक के जोर पे चलाया जा रहा है और इस खित्ते की सियासी हैसियत आज तक मुतनाज़ा है। बरतानवी इस्तेमार की विरासत आज भी गिलगित बाल्टिस्तान की सियासत, मईशत, सकाफत और मुआशरे को तश्कील दे रही है। ये खित्ता अब भी माशी पसमानदगी, सियासी अदम इस्तेहकाम और सकाफती तबाही से दोचार है। मकामी आबादी को समाजी अदम मसावात और पसमानदगी का सामना करना पड़ रहा है। असरी मसाइल जैसे कि मौसमियाती तब्दीली, सियाहत और वसाइल की खुदाई भी खित्ते की तरक्की और सकाफती तहफ्फुज के लिए अहम चैलेंज है। गिलगित बाल्टिस्तान में बरतानवी दौर नौआबादियाती हुक्मरानी का दौर था, जिसमें फौजी कब्जे, इंतजामी कंट्रोल, माशी इस्तेहसाल और सकाफती जबर शामिल थे। नौआबादियाती हुक्मरानी के असरात आज भी खित्ते की सियासत, मईशत, सकाफत और मुआशरे को तश्कील दे रहे हैं। नौआबादियात की विरासत से निमटने और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए जरूरी है कि मकामी आवाजों, सकाफती तहफ्फुज और माशी बाइख्तियारीत को तरजीह दी जाए। गिलगित बाल्टिस्तान की पेचीदा तारीख को तस्लीम करने और उस पर तवज्जो देकर हम खित्ते के लोगों के लिए ज्यादा मुनसिफाना और मसावी मुस्तकबिल की जानिब काम कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ।